नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा दो कलर में पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत प्यारा लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट पर इसे अप्लाई किया जा सकता है। ये एक कलर में भी जेंट्स स्वेटर के लिए हम बना सकते हैं और बेबी सूट पर, लेडीज़ कार्डिगन पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत सा हमारा पैटर्न है। सो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, घंटी को भी बजा दें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, इसे हम एक कलर में भी बना सकते हैं। एक कलर में भी बहुत खूबसूरत लगता है, पर यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि मैं एक बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दो कलर में बना रही हूँ, तो दो कलर में ही दिखा रही हूँ आपको। तो देख चलिए देख लेते हैं ये हमने किस तरीके से बनाया। ये चार सिलाइयाँ देखिए हमने जो हैं सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट की हैं। चार सिलाइयाँ ये सीधे सीधे बुनकर हमें कंप्लीट करनी है और 14 के मल्टीपल में हमें फंदे डालने हैं प्लस एक फंदा। एज स्टिच हमने इसमें नहीं रखा है। और देखिए एक, जब हम एक एक्स्ट्रा रखेंगे तो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ एक एक्स्ट्रा क्यों रखेंगे। तो दो, तीन, तीन फंदे हमने बना लिए हैं सीधे। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन बार धागे को लपेटकर हमने फंदे बनाने हैं। एक एक दो तीन, दो एक दो तीन, तीन एक दो तीन, चार एक दो तीन, पाँच एक दो तीन, छः छः फंदे बन चुके हैं। एक दो तीन, सात फंदे, एक दो तीन, आठ फंदे, एक दो तीन, नौ फंदे हमने ये तीन बार लपेट कर धागे को बनाए हैं। देखिए एक दो तीन चार और एक ये पाँच, ये हमें पूरी रो में रिपीट करना है। नौ फंदे हमें तीन बार अलवेट डालकर बनाने हैं और पांच फंदे हमें सिंपल बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमने फिर से अलवेट डालकर बना लिए। अब हम देखिए ये रॉन्ग रो में अपनी आ चुके हैं। अब रॉन्ग रो में देखिए हमें क्या करना है। एक, इस फंदे को आप चाहें तो बना सकते हैं, मैंने ऐसे ही उतार लिया है। दो तीन, तीन फंदे ये हमने जो बनाए थे, दोनों तरफ देखिए हमारा बैलेंस बराबर है एक फंदा एक्स्ट्रा रखने से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक ये नौ, नौ फंदे हमने खोल लिए। अब इन्हें देखिए इस तरीके से खींचकर इन्हें बिल्कुल बराबर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हाथ ढीला टाइट हो जाने से फंदे, और जब इस तरीके से हम खींचकर इन्हें बराबर कर देंगे तो हमारा उधर से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। नौ फंदों को हम इस तरीके से नीडल पर ले लेंगे। एक, धागे को लपेटा,
दो तीन फिर से धागे को लपेटा चार पाँच फिर से धागे को लपेटा सात फिर से धागे को लपेटेंगे नौ फिर वापस से हमने नौ फंदे अपने पूरे कर लिए हैं एक दो तीन चार और एक ये पाँच तो यही हमें पूरी रो में अपने रिपीट करना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इन नौ फंदों को हमने देखिए इस साइड छोटे हैं और इधर का साइड का बहुत बड़ा है तो नौ फंदों को हमने खींच कर बराबर कर लेना है और वापस से अपनी नीडल में लेकर एक धागे को लपेटा तीन धागे को लपेटा पाँच छः सात आठ और एक ही नौ ने वापस से नौ फंदे बना लिए तो एक दो तीन पांच फंदे हमने और ये देखिए हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में फिर से हमें चार रो अपनी सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करनी है ये देखिए चार रो हमें इस तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करनी है अब ये देखिएगा थोड़ा सा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये चार रो हमें सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है और फिर उसके बाद में हमारे थोड़े से फंदे शिफ्ट होंगे ये देखिए हमारे फंदे शिफ्ट हैं पांच फंदे हमने ये वाले लिए हैं दो इधर के लिए दो इधर के लिए तो हमारा यही पैटर्न चलेगा तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नमस्ते।